हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोग सीरीज ऑफ एल्काइन। देखो, बोल रहा है कि पांचवा मेंबर अगर होगा एल्काइन होमोलोगर सीरीज का, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग को पूछा गया। तो एल्काइन जो होता है, एल्काइन के बारे में पहले समझ लो। एल्काइन का जो जनरल तरीका है, एल्काइन जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। ठीक है, ये एल्काइन है। अब बोला गया है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ फिफ्थ नंबर ऑफ होमोलोगल सीरीज ऑफ एल्काइन्स। तो फिफ्थ मेंबर का हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एल्काइन जब भी होता है वो एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, एन का वैल्यू कभी 1 नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन एक नहीं लिया जा सकता है, कार्बन हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर एन का वैल्यू 2 हो, वो फर्स्ट मेंबर है, तो हम लोग को कौन सा मेंबर लेना है, फिफ्थ मेंबर लेना है। तो फिफ्थ मेंबर में एन का वैल्यू जो होगा 5+1 हो जाएगा, मतलब कि एन का वैल्यू यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूला पे पुट करें एन का वैल्यू 6, तो C6H2 × 6-2, तो ये हो जाएगा C6H12-2, तो C6H10। अब यहाँ पे कार्बन एटम कितना है, कार्बन यहाँ पे कितना है 6, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6, और जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सभी रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।